मैं नीतू फौजी की बीवी हूँ, और फौजी की बीवी फौजी के बारे में ही तो बताएगी ना। फौजी की बीवी बहुत स्मार्ट है, आपको तो पता ही होगा। और हम नोटिस वाले जब पोज में आते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि कौन क्या खा रहा है, लेकिन हम बनाना सब सीख जाते हैं। अब मुझे मीठा भी बनाना आ गया, क्योंकि पोज में आके मुझे अच्छी अच्छी बिरयानी आ गया, पोज में आके मुझे अच्छा अच्छा साउथ इंडियन आ गया, पोज में आके मुझे अच्छी होली कैसे त्योहार मनाते ये आ गया, दिवाली कैसे मनाते। क्योंकि हम असम नॉर्थ वाले ना, तो हर स्टेट का अपना अपना पर्व होता है, लेकिन जैसे आप पोज में शादी करोगे तो इंडिया का हर पर्व फौज में ही अच्छी तरह से सारे लेडीज मिलके, सारे फौज मिलके मनाते हैं हर पर्व। जैसे हम लोग अपनी जगह रहते हैं तो कुछ पर्व ऐसा होता है जो अपने कास्ट में ही मनाते हैं, लेकिन फौज में ऐसा नहीं चलता है। भगवान भी एक साथ रखते हैं, अल्लाह ईश्वर चर्च का जो है वो भी एक साथ ही रखता है, जो है जीजस उनको भी एक साथ रख के हमारा एक साथ ही रहता है, एक ही मंदिर में अल्लाह भी रखता है, हमारा हिंदू भगवान भी रखता है, और क्रिश्चियन का भी रखता है, और साथ में पूजा होता है। ये है एक फौज, इतना अच्छा है, आप तो सैल्यूट मारना चाहिए फौजी। और आप भी बनिए, जो फौज नहीं बना है लड़के लोग वो भी फौज में भर्ती हो, और जो फौज में बीवी जो लेडीज को शादी करना है वो फौजी से शादी करिए, बहुत अच्छा है।